हाँ यार, हेलो। क्वेश्चन इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है, कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशंस आर वेरी मच लाइक मेथड डिक्लेरेशंस। कि जो कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन होती है वो मेथड की डिक्लेरेशन की तरह ही होती है। तो हमें ऐसे कुछ कॉन्स्टेंट्स बताने हैं, लिस्ट द कॉन्स्टेंट्स विच आर अप्लाइड ऑन कंस्ट्रक्टर कंपेयर टू मेथड, एंड वी हैव टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर यूज़ किस लिए होता है। सो कंस्ट्रक्टर इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। सबसे पहली चीज़ तो यही निकल के आ गई यहाँ पे। अब देखते हैं कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्टर के ऊपर तो अप्लाई होते हैं बट मेथड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते। सो कॉन्स्ट्रेंट्स, तो सबसे पहला जो कॉन्स्ट्रेंट है वो ये है कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो सेम होना चाहिए क्लास के नेम से। सो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट ऑलवेज बी सेम, आप लिख लीजिए साथ साथ ये, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट ऑलवेज बी सेम एज क्लास नेम। जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड जो कॉन्स्ट्रेंट है, कंस्ट्रक्टर कांट हैव ए रिटर्न टाइप। सो कंस्ट्रक्टर कांट हैव अ रिटर्न टाइप। जैसे मेथड के आगे तो आप लगा देते हो वॉइड, एंट, स्ट्रिंग, कंस्ट्रक्टर के आगे आप कोई सा भी रिटर्न टाइप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, देन थर्ड, देखो थर्ड पर जाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि रिटर्न टाइप नहीं होता, ये तो सही है, बट दे कैन हैव एक्सेस मॉडिफायर्स, मतलब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। सो अगर इंटरव्यू के टाइम पे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कैन कंस्ट्रक्टर हैव अ रिटर्न टाइप, नो, बट कैन दे हैव एक्सेस मॉडिफायर्स, येस। सो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सब एक्सेस मॉडिफायर्स हो सकते हैं। ठीक है, देन द थर्ड कॉन्स्ट्रेंट इज देर इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच इज ऑटोमेटिकली एडिड बाई द कंपाइलर। सो अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिख रहे हो तो कंपाइलर अपने आप उसको ऐड करता ही है जावा के प्रोग्राम में। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज एडिड ऑटोमेटिकली। तो ये तो तीन हो गए कंस्ट्रक्टर के कॉन्स्ट्रेंट्स। अब आप एक और चीज़ कह सकते हो, एक और मैं कह देता हूँ जो मेथड में होती है बट कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं होती, कंस्ट्रक्टर कांट बी इनहेरिटेड। कंस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट नहीं कर सकते, जैसे मेथड्स तो इनहेरिट हो जाते हैं बट कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते। अब ऐसा क्यों होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्लास है ए, इसका कंस्ट्रक्टर क्या बनाओगे आप, ए, इस तरह से। ठीक है, अगर मैंने एक क्लास बनाई क्लास बी, नाउ दिस इज एक्सटेंडिंग क्लास ए, तो अगर हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट हो सकता, इफ दिस कैन ऑल्सो भी इनहेरिटेड, तो इसके अंदर डेफिनेशन आया थी ना ए इस तरह से। बट अब आप देखो इसका जो पहला कॉन्स्टेंट है कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नेम से होना चाहिए, बट यहाँ पे आप फिर इस चीज़ को वॉयलेट कर रहे हो। सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज इट इज़ वॉयलेटिंग रूल नंबर वन। जो हमने यहाँ पे रूल नंबर वन लिखा है उसको ये वॉयलेट कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग होता है, सेम उसी की तरह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी है। सो सीधा मैं एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। सो लेट अस टेक एन क्लास, क्लास ए बी सी। एक मैंने बनाया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ये, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे हमने ए बी सी। एक हमने बनाया यहाँ पे ए बी सी विथ सम पैरामीटर लेट अस से आई, और इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करा देता हूँ आई की वैल्यू जो भी पास होगी। ठीक है, नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
नाउ लेट अस क्रिएट द ऑब्जेक्ट. सो अगर मैं बनाता हूँ ए बी सी ए वन इज इक्वल्स टू न्यू ए बी सी, तो इस वक्त कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सिंस आई एम कॉलिंग और मेकिंग एन ऑब्जेक्ट विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर, मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सो इन दिस केस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड. तो आउटपुट क्या आएगा इस केस में? डिफॉल्ट, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह से ए बी सी ए टू इज इक्वल्स टू न्यू ए बी सी, और इसके अंदर वैल्यू पास कर देता 10, तो अब क्या होता? अब क्योंकि हम इसमें एक पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं 10, तो कौन सा कॉल होता? दिस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो अब आउटपुट क्या आता है इस केस में? 10. तो ऐसा प्रोग्राम, ऐसी क्लास जिसमें हमारे पास डिफॉल्ट प्लस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. मतलब कि कंस्ट्रक्टर के नेम तो सेम है, देखो आप नेम तो सेम हो गई होगा, नेम सेम है, बट कहाँ पे डिफर कर रहे हैं ये? इन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या आप कह सकते हो जो कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर है उसके अंदर डिफर कर रहे हैं. तो दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.